खबर रीवा जिले से है, जहां ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बढ़ती हुई ठंड को देखते हुए साईं मंदिर पहुंचकर गरीब असहाय लोगों को ठंड से बचने के लिए कंबल वितरित किए। रीवा ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा समय समय पर गरीब असहाय और जनहित के कार्यों में आए दिन कार्य किया जा रहा है। आइए आपको सुनाते हैं, रीवा ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष ने मीडिया से चर्चा करते हुए क्या कुछ कहा है। दिख रहा है कैसे यार, तो कोई थोड़े नहीं है, थोड़ा है ये थोड़ा ध्यान दिए, दोबारा ना आ जाए। ये हमारे रीवा मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की तरफ से विगत कई वर्षों से हम लोग अपने ये ठंड के मौसम में गरीबों को, जो गरीब हैं, बेसहाय लोग हैं, जिनको ठंड में कोई मदद, हमारे रीवा मोटर ट्रांसपोर्ट की तरफ से हर साल कंबल का वितरण किया जाता है। और हम लोग लगातार इसी तरह इन लोगों के गर्मी में, अभी हम कोठी कंपाउंड में और जो रोडों में हमको मिल जाते हैं गरीब, उनके लिए भी हम कंबल की व्यवस्था कर रखे हैं। उनको आज शाम से रात में हम बांटना चालू करेंगे, क्योंकि वो रोड में मिलते हैं, इसलिए जो गरीब हमको रोड में मिलेंगे उनके लिए भी व्यवस्था हमारे पास कंबल बांटने की है। कल 100 यहाँ पे हैं, अभी हमारे पास 100 कंबल अगर हैं जो हम दूसरे जगह पे, ये करीबन हमें 10 वर्षों से लगातार। अनिल तिवारी, अध्यक्ष रीवा मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जानिब से साईं प्रांगण संस्थान पर हर वर्ष जिस तरह से हम सब लोग साथी मिलकर गरीब असहाय लोगों को इस ठंडी के में हर वर्ष हम लोग कंबल वितरण का कार्य करते हैं, और समस्त साथी एक साथ मिलकर इस कार्य को अंजाम देते हैं। हम आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूं कि हम लोगों की संस्था और हम लोग, मैं पूर्व शहर कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष लल्लन खान, हम सब लोग साथ में एक साथ समाज के इन गरीब असहाय लोगों की मदद के लिए एक साथ खड़े होकर कार्य करते हैं। नमस्कार, रीवा, मैं हूं भानु पंडित। और मैं हूं अनीता भट्ट, और हमारे यहाँ आपके शहर रीवा 11 दिसंबर 2022 को कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक सुरों की महफिल सजाने, जिसका नाम है उड़ान शाम गजल, एक शाम सूफी संगीत के नाम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप सभी आए वहाँ पे इस संगीत में शाम का हिस्सा बनने के लिए। और हम दोनों स्पेशली थैंक्स बोलना चाहते हैं अभ्युदय उपकार फाउंडेशन की तरफ से अनामिका शुक्ला जी का, जिन्होंने हमें रीवा शहर आमंत्रित किया। So, see you all there.